Hello friends, today I am going to talk about the very important remedy, which is Carbo veg. It is an acute remedy which is very helpful in GIT symptoms, gastrointestinal system. It has three characteristics. First is sluggishness. Sluggishness will be seen on the mental and physical level. On mental level, on emotions it is seen, and on physical level, on circulation it is seen. The sluggishness will be seen as dullness of the mind. Patient is slow to comprehend. He does not like to speak and won't be able to speak properly. और पेशेंट इतना ज़्यादा डल होता है कि वो कोई काम भी ठीक से नहीं कर पाता, क्योंकि उसका माइंडसेट तो स्टेबल होता नहीं है, और अगर उसे कोई डिसीजन लेना पड़ जाए तो वो भी नहीं ले पाता अपने बलबूते पर. क्यों? क्योंकि उसमें पावर नहीं है लेने की. ही इज़ डल. पर ऐसी डलनेस क्यों आ रही है? ऐसी डलनेस इस वजह से आ रही है क्योंकि सही से ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही ब्रेन को. सर्कुलेशन स्लगिश है, इस वजह से ब्रेन में भी ऑक्सीजन ठीक से नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से पेशेंट डल है, और इसी वजह से वो डिसीजन भी नहीं ले पा रहा कोई भी, ना किसी काम में कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है. ये इसका एक करेक्टरिस्टिक था. अभी दो और करेक्टरिस्टिक हैं इसके मेन, जो कि मैं बताऊँगी. उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी कार्बोवेज मेडिसिन है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी भी किसी भी शॉक के बाद या कोई भी एक्यूट इलनेस के बाद देनी बहुत अच्छी रहती है. जैसे कि न्यूमोनिया हो गया या टाइफॉइड हुआ, उसके बाद जो वीकनेस और स्लगिशनेस आ गई फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है. कभी कभी बीमार होने के बाद बंदा इनडिफरेंस भी हो जाता है, उसमें भी ये हम दे सकते हैं. और ये एक एक्सीडेंट वाली कंडीशंस में भी दी जा सकती है. आर्निका तो हम देते ही हैं, बट जब हमारा मेंटली पेशेंट परेशान होता है, स्लगिश होता है, डल होता है, तो हम कार्बोवेज देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ये बहुत अच्छा एक्ट करती है, बट इसको रूटीन नहीं बनाना चाहिए. और जो कार्बोवेज है वो वार्म ब्लडेड पीपल में नहीं देते, वो कोल्ड ब्लडेड में ही देते हैं, जिनमें वाइटल हीट लैक होती है. अब आते हैं हम इसके थ्री करेक्टरिस्टिक्स पे, जो कि मैंने सबसे पहला बताया था स्लगिशनेस. मैं इस वीडियो में आपको पूरी के पूरी मेडिसिन ऐसे पढ़ाऊंगी कि याद ही हो जाएगी एक बार सुनने के बाद ही. तो हम जब स्लगिशनेस की बात कर रहे हैं, तो इस पेशेंट में ऐसा भी होता है कि आर्टीरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस जब आते हैं तो हम ये दे सकते हैं. और कभी कभी इसमें क्या होता है, जैसे पेशेंट स्लगिश है, डल है, उसमें पावर तो है नहीं कुछ समझने की, कुछ डिसीजन लेने की, इसलिए अगर उसने कभी कहीं कुछ पढ़ लिया और उसके दिमाग में क्या हो जाता है, फिक्स्ड आइडियाज़ बन जाते हैं. अगर जैसे किसी फीमेल ने पढ़ लिया कि बटर खाने से बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है या हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके दिमाग में वही घूमता रहेगा और वो बटर को भी छोड़ देगी खाना. जबकि हम कार्बोवेज बहुत ज़्यादा मेंटली इल पेशेंट्स में नहीं देते, बट ये कुछ करेक्टर्स हैं जो हमें देखने चाहिए मेंटल स्लगिशनेस की वजह से आए हुए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से पेशेंट में देखने को मिलते हैं और काम भी करते हैं जब हम कार्बोवेज देते हैं तो, क्योंकि एक डीप एक्टिंग रेमेडी नहीं है. फिजिकली ये रेमेडी हर ऑर्गन को अफेक्ट करती है, बट सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्ट आता है वीनस सर्कुलेशन पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे. दूसरा करैक्टर है इसका कोल्डनेस, जो कि पूरी बॉडी में फील होती है. कोल्डनेस होती है उसकी ब्रेथ में भी, नोज में भी, फेस में भी, एक्सट्रीमिटीज़ में भी, टंग में भी इवन, और इसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी फॉल हो जाता है, और कलर जो होता है उसका डेथली वाइट हो जाता है, और ब्लूनेस हो जाती है अराउंड द लिप्स और टिप्स ऑफ द फिंगर में. उसको ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा, इतनी ज़्यादा कोल्डनेस होती है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी. अब अगर हम कोल्डनेस को रिलेट करें डिजीज़ के साथ, तो जैसे किसी पेशेंट को बहुत वॉमिटिंग हो रही है और साथ साथ में उसमें ब्लूनेस आ रही है बॉडी में, कोल्डनेस है, बहुत ठंड लग रही है और माइंड बिल्कुल डल हो रहा है, कोल्ड परस्पायरेशन हो रहे हैं, तो हम उस कंडीशन में फीवर के साथ, फेंटिंग के साथ ये कार्बोवेज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा एक्ट करती है. तीसरा करैक्टर है डिज़ायर टू बी फैंड. इतनी ज़्यादा कोल्डनेस है बट उसको डिज़ायर क्या होता है कि उसको फैनिंग चाहिए, फिर भी ठंडक चाहिए.
कोई उसको हल्का सा पंखा करता रहे या पंखा हल्के उस पर चलता रहे, उसको ये चाहिए ही चाहिए। ये इसके 3 करेक्टर्स हैं। जो हमारा कार्बोवेज का पेशेंट होगा उसमें ब्लोटेडनेस बहुत देखने को मिलेगी। वो किस वजह से होगी? ओवर ईटिंग से। जैसे कभी भी किसी शादी में गए, पार्टी में गए, ज़्यादा खा लिया तो अगले दिन इतनी ज़्यादा ब्लोटेडनेस हो गई। और पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओबीस होता है, पर थिन भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ओबीस में ही कार्बोवेज दें। और एक ये बहुत अच्छी रेमेडी है ओल्ड पीपल के लिए। क्यों? क्योंकि उनमें ज़्यादातर ब्लोटेडनेस, एसिडिटी देखने को मिलती है। और जो इसकी ब्लोटेडनेस होती है वो बेटर रहती है आफ्टर पासिंग फ्लेटस। मैं इसकी कुछ कंडीशंस भी बताऊंगी जिसमें ये बहुत अच्छे काम करती है। एक और इसका फीचर है कि ये इंटॉलरेंट टू फैट होते हैं। इनको पचता नहीं है कुछ भी हैवी खाना या फैट्स कुछ भी खा लिया तला हुआ तो बिल्कुल भी नहीं इन्हें पचता। और अल्कोहल से बहुत एग्रेवेशन होती है, अगर अल्कोहल ले ली तो अगले दिन हालत ख़राब होनी होनी है इस पेशेंट की। और अगर अल्कोहल ले लेता है तो उस समय भी इसको फ्लशिंग हो जाती है फेस की, और इसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है इनसाइड से अगर अल्कोहल ले ली तो। इसने अगर कार्बोवेज पेशेंट को आफ्टर न्यूमोनिया, डिस्निया है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, चलने फिरने में, तो हम इसको दे सकते हैं। लेकिन पेशेंट को डिज़ायर होता है ओपन एयर का, और वो एयर जो है उसके फेस पर लगनी चाहिए, फैनिंग की बहुत डिज़ायर है, तो ये हम देखेंगे तभी हमें देनी है ये कार्बोवेज। उस केस में ये बहुत अच्छा असर करती है। और कुछ क्लिनिकल कंडीशंस है जिसमें कार्बोवेज दे सकते हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर, इन सब कंडीशंस में। लेकिन पेशेंट के ये 3 करेक्टरिस्टिक्स अगर मैच करेंगे तो ही। और शॉक और एक्सीडेंट के बाद ये बहुत अच्छा असर करती है। और न्यूमोनिया, टाइफॉइड के वीकनेस के लिए भी ये बहुत अच्छा एक्ट करती है। जब पेशेंट को कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ा जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि मैंने बताई हैं अभी पहले, अगर उस तरह की कंडीशंस या प्रॉब्लम्स हैं तो हम कार्बोवेज बहुत इजीली दे सकते हैं 30 पोटेंसी में 3 times a day। और इसको कोई हैबिट नहीं बनाना, इसको हमें थोड़े टाइम के लिए ही लेना है एज़ पर बाय द फिजिशियन एडवाइस। और कार्बोवेज की कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ होती हैं आर्सेनिकम और फॉस्फोरस, तो हमें उनको भी कंसिडर करना चाहिए फॉर क्योरिंग द पेशेंट। थैंक यू, आई होप इट विल हेल्प यू। So please subscribe my channel and like my videos for getting more videos in future. Thank you.